हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल मार्केटिंग ब्लॉग्स के अंदर। तो गाइस, आज मैं आप सभी को पल्सर 220 बाइक चलाना सिखाऊंगा। आती होगी बट जिन लोगों को नहीं चलानी आती वो मेरी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज उनको मिल जाएगी और तो बाइक चलाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पल्सर 220F बाइक, तो मैं आपको इस बाइक के थोड़ा फीचर पहले बता देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है बाइक, ठीक है। इसको ऑन कर दिया यहाँ से और ये है इसका थोड़ा सा कुछ ऐसा है और ये है इसका पावर ऑफ और ऑन बटन। यहाँ से इसको ऑफ़ कर दोगे तो आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, जितनी मर्जी सेल्फ मारते रहो इसको नहीं स्टार्ट होगी। ये इसको ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बाइक को न्यूट्रल करना जरूरी है बट उससे पहले ये स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ से देखो ये न्यूट्रल होएगी, थोड़ा सा इसको ऊपर की करो ये न्यूट्रल हो जाएगी। और ये देखो यहाँ से इसकी ग्रीन लाइट जल रही है तो समझ लो ये बाइक न्यूट्रल है। अगर आप इसको आप स्टार्ट भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाइक आगे नहीं जाएगी। आप इसमें पहला फर्स्ट गियर नहीं डालोगे तो आपको गियर के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ये देखो, तो गाइस इसमें टोटल पांच गियर हैं। पहला गियर नीचे को पड़ता है इसका, ये देखो पहला गियर नीचे को फर्स्ट गियर, और वहाँ देखो न्यूट्रल का निशान था वो हट गया, यानी कि पहला गियर डल गया। देखो गाइस, जिनके पास स्प्लेंडर वगैरह बाइक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा बट इसमें थोड़ी सी इसकी अच्छी खासियत है पल्सर 220 में। जिनको स्प्लेंडर वगैरह में अगर आप पहले गियर में डालते हो बाइक को, तो जैसे आप इसको क्लच छोड़ोगे ना, क्लच के साथ आपको थोड़ी सी रेस भी देनी पड़ती है। तो जैसे ये देखो, उस तो अगर रेस भी देनी पड़ेगी तब वो चलेगी। अगर इस बाइक का मुझे ये फीचर सबसे अच्छा लगता है कि अगर आप क्लच छोड़ भी दोगे ना पहले गियर में डाल के, ये देखो जैसे मैंने छोड़ दिया तो बाइक बंद नहीं होगी, वो पहला टायर चलता ही रहेगा। ये देखो मैंने छोड़ दिया, वो पहले गियर में बाइक चल रही है, बंद नहीं होगी। मतलब कि ये मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है फीचर। तो बाकी ये देखो, जहाँ मैं इसको आपको मैं थोड़ा बाइक को चला के भी दिखाता हूँ, कई लोगों की बाइक बंद भी होती है, ये बाइक बंद नहीं होती बट हाँ थोड़ा ध्यान से केयरफुली चलाना पड़ता है। मैं आपको उसके बाद समझा देता हूँ कैसे इसको चला लेता हूँ। ये देखो सेकंड गियर डाला तब भी बाइक बंद नहीं होगी। ये देखो सेकंड गियर मैंने गियर डाल दिया आपके सामने। अब इसको हौली हौली क्लच छोड़ना, ज़्यादा नहीं छोड़ना, हौली हौली छोड़ना। और देखो टायर की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये देखो मैंने छोड़ दिया, गियर डाला हुआ है। अब यही आप स्प्लेंडर वगैरह में डालोगे तो बाइक बंद हो जाएगी, ये पल्सर में जल्दी जो जो स्पोर्ट्स बाइक आती है सभी में मेरे ख्याल से होएगी, ये सभी में ऐसा होएगा। तो ये देखना, अब मैं रेस दूंगा ना, बाइक बंद नहीं होगी, गियर डाला हुआ है, ये देखो टायर घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये बंद नहीं होगी बाइक, बट हाँ अगर आप जब उसको थोड़ा मैं स्टैंड से उतारूंगा तो शायद क्या पता बंद हो जाए बाइक, अदरवाइज बाकी तो ये ओके है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसको चलाना कैसे। गाइस ये देखो, मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया है, इसका मीटर ऑन कर दिया है। तो गाइस ये देखो, अब यहाँ से इसका क्लच दबाना है, क्लच दबा के, ठीक है, और यहाँ से इसको सेल्फ मारनी है। सेल्फ मारने के बाद हमें इसको पहले गियर में डालना है, पहला गियर नीचे को डलता है, तो हमने पहला गियर डाला तो देखो न्यूट्रल का निशान था वो वहाँ से हट गया, ठीक है। अब हमने देखो क्या करना है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहा, दिखाना थोड़ा कैमरा आगे बढ़ेगा। देखो मैंने थोड़ा सा क्लच छोड़ूंगा, ये देखना क्लच छोड़ रहा हूँ, बाइक आगे को जा रही है। ये देखो मैं रेस भी नहीं दे रहा, रेस नहीं दे रहा, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ये देखो रेस नहीं दे रहा, अपने आप जा रही है, ठीक है। तो अब ये देखो इसको अच्छे से चलाना है, मैं आपको दिखा कर, देखो क्लच छोड़ा, हल्के से रेस बनी है, बाइक आगे नहीं जाएगी, बंद नहीं होगी, मतलब कि बंद नहीं होगी। कई लोगों की बाइक बंद हो जाती है, दिक्कत है, देखो जैसे रेस दे रहे हैं एकदम छोड़ दिया वो बंद हो जाती है, देना दे रहा एकदम छोड़ दिया ये बंद हो जाती है। तो ये नहीं करना है, इसको बिल्कुल स्लो स्लो देना क्लच, ये देखो हल्का सा क्लच छोड़ना है और हल्की सी रेस देना, ये देखो हल्का सा क्लच छोड़ना, हल्का सा रेस देना, बड़े स्मूथली चलेगी बाइक। तो ये है पल्सर 220 बाइक ऐप। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना भाई वीडियो कैसी लगी है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।